दिवाकर जी, मैं चाहूंगा कि एक प्रेरणादायक जो नागरिक को कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरणा हो, आप प्रस्तुत करें। मिस्टर राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई डायडेक्टिक प्रेरणा स्रोत बातों को मैं उल्लेख कर सकूं। हो क्या रहा है समाज में कि जिस आदमी से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, परिचय नहीं है, उसको भी आप अपने बारे में कुछ बताते हैं, अपनी कहानियां बताते हैं, जो सच्ची घटना हुई है, ऐसा आपने किया है, उसके बावजूद भी उस आदमी को विश्वास नहीं होता है। ये ह्यूमन नेचर हो गया है। मुझे इस उम्र तक इतना अनुभव हुआ है कि एक ह्यूमन नेचर है कि आपके बारे में अगर कुछ नहीं जानता है, उसके बावजूद आप उससे परिचित होके अपनी सच्ची घटना का अगर उल्लेखित करना चाहते हैं उसके सामने, तो विश्वास नहीं करता है। इसको अंग्रेजी बोलता है, नेवर टॉक योर फॉर सेल्फ बिकॉज वी विल टॉक वेल, अदर्स विल फील दैट यू आर टॉकिंग बिग बैग, एंड टॉक इल ऑफ योर सेल्फ दे ट्रस्ट इजिली दैट यू आर राइट। जब अपने बारे में कोई बड़प्पन की बात आपने ऐसा किया है, ये सच है, फिर भी आपके सामने का आदमी विश्वास नहीं करता है। लेकिन आप जैसे ही अपने बारे में डिफीट की बात करते हैं, वो घटना में, किसी घटना में आपने डिफीट किया हो, लेकिन जब उसके सामने डिफीट की बात करते हैं, तो तुरंत वो इजिली विश्वास कर लेता है। ऐसा मनुष्य का संस्कार नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका नेचर नहीं होना चाहिए कि किसी के बड़प्पन को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर डिफीट कहीं हुआ हो और उस उद्धृत, उस घटना का उद्धृत करना चाहता है, उस संस्मरण को आपके पास रखता है, तो आप इजिली विश्वास कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं, एक डायडेक्टिक बात है कि अभी चल रही थी चर्चा कि अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए लोगों को। हक मांगने से नहीं मिलता है, हक को छीनना पड़ता है, हक की लड़ाई लड़ना पड़ता है। कल भी मैंने कहा था, महाभारत की चर्चा हुई थी, तो उसमें कृष्ण भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं महाभारत में, गीता में, उसी बात को मैं कह रहा हूँ आज अंग्रेजी में। ट्रीटिंग अलाइक प्लीजर एंड पैन, लॉस एंड गेन, डिफिनेट विक्ट्री, गेट रेडी फॉर द फाइट, देन दस यू आर नॉट इन कर सीन। स्पष्ट कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन तुम जय पराजय की चिंता नहीं करो, हार जीत की चिंता नहीं करो, और पाप लगेगा ऐसा करने से, इसकी भी चिंता नहीं करो, ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। कर्म करना चाहिए, कर्म अन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की भागी हम लोग हैं, हम लोग को फल की चिंता नहीं करना है, फल तो माँ देगी, हमको बस कर्म करते रहना है। लेकिन अधिकार के लिए लड़ना भी है, चुपचाप से हाथ जेब में हाथ बैठने से नहीं होता है राजेश बाबू, काम तो करना आगे अग्रसर होइए, कुछ होगा पीछे इतना हम के भाग्य हैं। यही गीता, यही महाभारत, यही संसार में हमारे जो ऋषि, जो हमारे वीर पुरुष, जो प्रेरणादार महापुरुष हुए हैं, सब लोगों ने की बात किया है। रामचरितमानस की पंक्ति को भी मैं चाहता हूँ, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। धन्यवाद दिवाकर जी, आपने विश्वास और कर्म के बारे में बतलाया। मैं कहना चाहूंगा कि विश्वास कोई करे या ना करे, आप अपना कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।